शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। एक शिकार को छुपने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है जंगल। उसी तरह एक रहस्य को अदल बदल करने के लिए सबसे ठीक जगह है भीड़। हर एक भीड़ में इंसानियत से लड़ने वाला एक अजनबी होगा। कहते हैं कि नजरों के सामने जो अचानक घटना होती है वो अचानक कैसे हो सकती है, क्योंकि सामने जो है माँ पिक्चर देखने जाना है। माँ शाहरुख खान का नया पिक्चर आया है, माँ पैसे दो ना। माँ पहले ये चाय देकर आओ और उसके बाद पिक्चर के लिए जाना। हाँ, दिन भर पिक्चर पिक्चर। मैं तुम्हारा कार में वेट करता हूँ, तुम्हें जो भी खरीदना है खरीद कर आ जाओ। ओके बेटा, ओके। अच्छा भाई, कल मिलते हैं। नमस्ते भैया। को घेर लिया है और स्पेशल पुलिस स्क्वाड ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। सॉरी, रॉन्ग नंबर। पुलिस की बात नहीं सुनेगा तू? अगर ये तेरा बाप होता तो क्या इसी तरह फोटो निकालता तू? इडियट, जाओ जाओ। लिसन गाइस, प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर परिवार सबको भूल जाओ, नो पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस। मुंबई पुणे नासिक के सभी पुलिस स्टेशन में इस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में सब कुछ फैक्स कर दो।
किसी पर भी अगर शक हो तो उसे हिरासत में ले लो। और रशीद, मुंबई के सभी होटल्स में खबर भेजो कि हर एक के सामान का स्कैन करें, और पुलिस की मदद से सभी रहने वालों की लिस्ट मंगवाओ। एज यूजुअल रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एसटीडी बूथ पर सर्च टीम भेजो। एंड अलर्ट योर इन्फॉर्मर्स राइट अवे। गॉट इट? यू हैव टू रिपोर्ट टू मी एट माय ऑफिस एट 1500 शार्प। मूव 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 नाउ। संजय, सी टू इट जी दैट वन ऑफ योर बॉयज इज विद एवरी लोकल सर्च टीम। यस या हां। Good morning. So this is the list we are able to find out and... Wait. Aisha Begum, chemical engineer. हमारे लिस्ट में जो भी सस्पेक्ट था हमने उन सबको अरेस्ट कर लिया है सर। बाबू सेठ उर्फ शाबू सेठ, वेयर इज ही, कहाँ है वो? सर, हमने उसके घर और फैक्ट्री में छापा मारा, कहीं कुछ पता नहीं चला, वो गायब हो गया सर। नॉनसेंस, क्या वो जादूगर है जो गायब हो गया? वो एक सोशल लीडर है सर, उसे अरेस्ट करने से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ सकती है सर। आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सक्यूजेस, कल सुबह मुझे वो यहाँ चाहिए। आई वॉन्ट हिम हियर टुमारो, गॉट इट सर? साबू सेठ, पुलिस। क्यों सलीम, तुम डरते हो? ले जाने की इजाजत हम पुलिस वालों को हरगिज नहीं देंगे। इनके साथ मैं जाने का वादा कर चुका हूँ, तुम बीच में रोड़ा मत बनो। हाँ?
बाबू सेठ उर्फ शाबू सेठ। जी हाँ। आप क्या काम करते हो? व्हाट्स योर प्रोफेशन? कई तरह के बिजनेस हैं। कहाँ ना बिजनेस करता हूं। किस लिए अरेस्ट किया है तुम्हें जानते हो? जानता हूं। व्हाई? क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं। तो फिर मैंने और मुस्लिम लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया? तो इसका आपको अफसोस है क्या? ओ, इस बॉम्ब ब्लास्ट के साथ आपका संबंध है अगर मैं ऐसा कहूं तो? आप जो भी बोलते हैं कानून बन जाता है और फिर कल को वैसा ही कुछ होता है। सो यू मीन टू से इस बॉम्ब ब्लास्ट के साथ आपका कोई संबंध नहीं है? अगर मैं ऐसा ही बोलूंगा तो आप भरोसा करेंगे? थैंक यू। सर, या तो वो कौन है कोई नहीं जानता, या तो उसके बारे में कोई बताना नहीं चाहता। लेट्स सी, हमारे पास उसके खिलाफ काफी सबूत हैं। जैसे भी होगा, कोर्ट से रिमांड लेकर हम उसे जेल में डालेंगे। मुंबई, नासिक, पुणे में भी इसका असर होगा। हमारे लिए मुश्किल काम है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। हमारे लिए इतना इजी नहीं है, पर उनके लिए भी इतना आसान। एसडी कॉल करनी है। ओके। कितनी गर्मी है अंदर, एसी लगाना चाहिए ना। कितना हुआ? 85 रुपए हो गए। 85 हो गया? आईएसडी के नाम पे लोगों को लूट रहे हो ना। देख लूंगा मैं तुमको। रेलवे गेट के पास आता है ना, वही टांग तोड़ूंगा मैं तेरी। कितना हुआ? दो कॉल हुआ सर, 621 रुपए हुए। सर, आपका बैग। ओ थैंक्स।
accused has been remanded for 14 days for transaction of illicit money, hawala, punishable under Prohibition of Money Lenders Act, Section 3, 2002. दिखने में तो बिल्कुल नया लगता है। सर। हाँ अनवर, स्मगलिंग करते हो? वाह, तुम लोगों की वजह से ही देश बिक रहा है। चल चल अंदर चुपचाप रहने का, नहीं तो हाथ पैर तोड़ डालूंगा। एक सुट्टा मुझे भी लेना। क्या? ए बुड्ढे, चुप करना, परेशान कर रहा है, एक दूंगा ऐसे ऊपर पहुंच जाएगा। ए, बहुत हुआ पानी पिलाना, वो तेरा बाप लगता है क्या? इसके पैदा होने से पहले ही ये बुड्ढा जेल में है। ऐसी बात नहीं है यार, ये उसकी बाप की उम्र का है, इसको अपना सगा बाप याद आ गया होगा। तुम्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अरे देख बुड्ढे को गुस्सा कितना आ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए इधर आ, अरे तुझे ही बुला रहा हूं, भैया के लिए भी वही कर। क्या? जेल में आकर अगर तुम ये कहोगे कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो ये बड़े शर्म की बात है। चलो मोहन दादा के लिए काम शुरू कर दो। नहीं, तुम्हें मालूम नहीं या करना ही नहीं चाहते? मैं नहीं करूंगा। क्या हो रहा भाई? वो क्या है सर, नए कैदी से परिचय कर रहे हैं। यहाँ महफिल महफिल मत जमाओ, अपने अपने सेल में जाओ। और सुनो, दोबारा इस तरह की हरकतें मत करना, चलो जाओ जाओ। Oh!
तेरी माँ ने इस बाप का साथ देने के लिए तुझे इस जेल में भेजा है क्या? माँ पर मत जाना। Oh,
पुलिस की मार खा के तुझे मजा आया क्या? मजा तो मुझे तब आएगा जब मेरी मार खाकर तुम लोगों की बॉडी मॉर्चरी में जाएगी। छोड़ना मत इसे। रुको रुको रुको। है सुधीर, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे आदमियों से मत उलझो। ये कोई तेरे बाप की जागीर नहीं है, तुझे मारने के लिए मेरे पीछे 100 आदमी खड़े हैं, समझा? मुझे मारने के लिए तुम्हारे पास 100 आदमी हो सकते हैं, लेकिन मेरे भी कुछ दोस्त मेरे साथ मरने को तैयार हैं। क्या तुम्हारे साथ मरने के लिए कोई एक भी तैयार है? चलो। अरे मोहन सर, कोई मर्डर केस में आया क्या? नहीं नहीं, उससे भी बड़ा केस है, लड़कियों का दल्ला है। सर उसको मेरे पास भेजो, उसे ठीक कर दूंगा मैं। लड़कियों का धंधा करने वाला दलाल है साला, इसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आजकल के बच्चे पैसे के चक्कर में कुछ तो बदमाशियां करेंगे ही, ऐसे लड़कों का जिंदगी के लिए कोई मकसद नहीं होता, ये सिर्फ क्रिमिनल ही बन सकते हैं। वैसे तुम किसके लिए स्मगलिंग का काम करते हो? मैंने अल्लाह से वादा किया है कि उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अगर कोर्ट मुझे फांसी की सजा भी दे दे तब भी जुबान नहीं खोलूंगा। जिसके लिए तुम काम करते हो क्या वो तुम्हें बेल दिलवाएगा? इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं। ठीक है तो तुम इधर खुशी से रहो, जो होगा देखा जाएगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अनवर, जिसने तुम्हें मारा था वो वार्डन आ रहा है, सिगरेट फेंक दो। कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं, दिखेगा तो वो सिगरेट मांग लेगा, एक नंबर का रिश्वत खोर है। ये सब मिले जुले हैं, वार्डन वगैरह सब लोग आपस में, ये उसी ग्रुप से मिले हुए हैं जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ था। अगर इन्हें चांस मिला तो ये हमारा कुछ भी कर सकते हैं। अगर सारे पुलिस वाले बेईमान हैं तो आपके हिसाब से तो सारे मुसलमान टेररिस्ट होने चाहिए। सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप? तुम क्या सोचते हो? देखा उसका जनाजा जा रहा है, अगर हमने एडजस्ट नहीं किया तो हमारा तुम्हारा सबका यही हाल होने वाला है। जब मैं महाराजा कॉलेज का स्टूडेंट था और फाइनल ईयर में पढ़ रहा था, उस समय मजहब के नाम पर दंगे हो रहे थे। मेरे और मेरी बहन के सामने पुलिस वालों ने मेरे पिताजी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो हमेशा कुरान पढ़ा करते थे और अपने परिवार की देखभाल करते थे, पता नहीं पुलिस वाले ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। कोर्ट में केस फाइल किया, कुछ नहीं हुआ, पुलिस वालों ने किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। उसके बाद मैं वहां से दुबई चला। अरे वहां स्पेशल मीटिंग क्या हो रही है? इस जेल को बॉम्ब से उड़ाने की सोच रहे हैं। हाँ उड़ाओ उड़ाओ, मैं भी लंबी छुट्टी में जाऊंगा।
शाबू सेट, एक टिपिकल टेररिस्ट सस्पेक्ट जो कि कॉमनल राइट्स कराने में माहिर है। 10-15 साल दुबई में रहने के बाद मुंबई आया है ये, वहां से करोड़पति बनकर। फिशिंग बिजनेस, सी फूड एक्सपोर्ट, रियल एस्टेट, सामूहिक सेवा, रिलीजियस पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह सब में हाथ डाल के राजा बन गया है ये। वो साथ में कौन है? एक स्मगलिंग केस है। तुम्हारी बेल के लिए मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। ये मत सोचना कि बाहर जाकर तुम्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें लेने मेरा आदमी आएगा इंशाल्लाह। जब मैं बाहर निकलूंगा तुमसे जरूर मिलूंगा। अशरफ, ये है मिस्टर अनवर। अरे ये कोर्ट है, तेरी कॉलोनी की गलीने की विसल मार रहा है। देखा, जज हथौड़ी मार सकता है, मैं सीटी भी नहीं मार सकता। क्या जमाना आ गया। क्या नाम बताया था भाई? अनवर। मैं अशरफ, शाबू सेठ का राइट हैंड। बहुत पुराना दोस्ती है, अब उनके बिना बाबू सेठ कोई काम नहीं करता। जेल में तो तुम्हें देखा नहीं। बहुत दिन से बुला रहे है, पर वो क्या है, लाइन नहीं मिला ना। पहुंच जाएगा जल्दी। ये क्या हो रहा है इधर, ये भीड़ काहे के लिए जमा है? अच्छा ये लोग हैं, फिर से स्टार्ट हो गए। अरे ये लोग तो शाहजी ग्रुप के आदमी हैं। चाबू सेट होते तो ये कोई नहीं दिखता। अरे भाई किधर चलना है? सीधा रे, सीधा चल। ठीक है, अभी रोक दे घोड़ा। अपन दोपहर तक इधर ही रहेगा, उसके बाद मिलने का है तो दुकान पर आ जाने का। ठीक है? ठीक है भाई। लो आ गया। तुमने जो मोबाइल दिया था ना, उसमें तो कैमरा तक भी नहीं है। 500 रुपए का मोबाइल में मिक्सी और फ्रिज भी चाहिए? 500 रुपए का मोबाइल से क्या पिक्चर बनाएगी? कैमरा चाहिए तेरे को है? जवानी में कैमरा पूछता तो ठीक है, MMS बनाएगी, अभी बुढ़ापे में कैमरा लेके क्या करेगी? आजकल की बुढ़े लोग भी ना पागल हो गए ले भाई। आओ, ये खिड़की अगर खोलोगे ना तो स्विट्जरलैंड की जन्नत नजर आएगी। ध्यान से देखने से थोड़ा बहुत अमेरिका भी दिखेगा। क्या एरिया है कमाल का, पता है? लगता है बाहर का माहौल ठीक नहीं है, बाद में दिखाऊंगा। अखायर आगे तुमको कोई भी चीज की जरूरत पड़े ना तो तुमको अशरफ को याद करने का, ठीक है? माई मोबाइल नंबर इज 9840622550। ओके, अभी अपन चलता है। अरे बाप रे, लगता है बुढ़िया अभी तक नीचे ही बैठी है, किसी तरह बच के निकलना होगा। हाँ wrong, what are you thinking? सर, साबू सेठ और उसके आदमियों की बेल एप्लीकेशन कोर्ट में गई हुई है। अगर ऐसी स्थिति में वो बाहर आ गए तो we can't do anything. तो फिर क्या करें? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ कोई भी कहीं भी बेल ले सकता है। एंड मोरओवर, उसके बारे में तुम्हें क्या मालूम? नो क्लूज, नो एविडेंस, इट्स ऑल इनकॉम्पेटेबल। बट सर, साबू सेठ जैसे लोग बाहर घूमने लगे तो बहुत सारे निर्दोष लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, दोबारा पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। अपराधी को पकड़ना तो पड़ेगा ही, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर संजय। विल गेट हिम।
Cheer up, man. सिर्फ देखने से ही काम हो जाएगा क्या तुम्हारा? ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ. हेलो अशरफ. हाँ सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हो रहा है उधर? क्या हुआ शाबू से? उधर क्या परेशानी है? वो साजी के लोग हैं ना, वो उन लोगों ने फिर शुरू कर दिया. आप इधर नहीं हो ना, इसलिए वो लोग दादागिरी कर रहे हैं यहाँ पर आकर. अनवर है उधर? हाँ है ना, इधर ही वो चाय पी रहा है. उसे फोन. हाँ शाबू सेठ, शाबू सेठ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. तुम्हें जगह पसंद आई? मुझे ठीक लगी. कोई प्रॉब्लम है? वहाँ माना हुआ एक गुंडा गैंग प्रॉब्लम कर रहा है. सऊदी से लौटा हुआ साजी का गैंग है. गांजा वगैरह पीकर हमेशा लोगों को परेशान करते हैं. एक सप्ताह में मेरी बेल हो जाएगी, आके सब संभाल लूंगा. तब तक क्या इंतजार करना पड़ेगा? यहाँ शाजी कौन है? बात क्या है पहले ये बता. वो सब कुछ मैं शाजी को ही बताऊंगा. इसका मतलब है कि तुम शाजी को ही बताओगे? हाँ. तो फिर बता, मैं ही शाहजी हूं.
अपने आदमियों के साथ इस जगह से तुरंत दफा हो जाओ, और आज के बाद तुम या तुम्हारे आदमी कभी यहां पर दिखाई दिए ना तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अस्सलाम वालेकुम साहब सेठ। वालेकुम अस्सलाम। साजी और उसके आदमियों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। अरे सिर्फ इतना ही नहीं भाई, उनका तो पूरा परिवार ही हॉस्पिटल में आ बसा है। अरे बाप रे दीदी, वहां क्यों खड़ा है? इधर आ। कौन है? आपसे मिलने कोई जेल से आए हैं? क्या कहा? जेल जाना तुम्हें बुरी बात लगती है? नेहरू गांधी सब लोग जेल गए थे। वो सब लोग अच्छे काम के लिए जेल गए थे, आपकी तरह नहीं बुरे कामों के लिए। तुम्हारी वजह से पता नहीं हम दोनों को कब पुलिस ले जाएगी। बार बार जेल पुलिस का नाम लेकर तुम मुझे डराती क्यों हो? चुपचाप अंदर क्यों नहीं जाती? हाजी मोहम्मद अली के घर में जब मर्द बोलते हैं औरतों को बोलने का कोई हक नहीं है। बेटा कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए, कैसा है तू? माँ माँ तुम अच्छी तो हो। मैं तो अच्छी हूँ पर तू कमजोर हो गया। बहुत दिनों के बाद आया हूँ, तुम्हें ऐसे ही दिखेगा। खाना खा के आया है क्या? खा लिया माँ, चिंता मत करो। तुम्हारे अब्बा हमेशा मुझसे बोला करते थे, शाबू को कभी अकेला मत छोड़ना, जमाना बहुत खराब है। जब भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ बहुत डर लगता है बेटा। अरे माँ तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिन हो गए थे इसलिए तुमसे मिलने चला आया। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे इन लोगों को तो खाना खाने दे। अरे माँ सब खा के आए हैं, मैं चलता हूँ। अच्छा सलीम। गाड़ी स्टार्ट करो। मेरी बहन ने जो कहा वो तुमने भी सुना होगा। मेरी समझ में नहीं आता ये लोग मेरे बारे में हमेशा ऐसा क्यों सोचते हैं भला। मेरी और उसकी आंखों के सामने पुलिस वालों ने पिताजी को मार डाला था। वो सोचती है ये सब किस्मत का खेल है। किस्मत का खेल? मजहब के नाम पर पुलिस वाले मुसलमानों का खात्मा कर रही है, ये मुसलमानों की बदकिस्मती है। पुलिस की ये ज्यादती आखिर कब तक सहते रहेंगे? उनके जैसे चार बार खाना खाके टीवी देखते हुए एक अच्छा मुसलमान मैं हरगिज नहीं बन सकता। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है अनवर कि ये गलत नहीं है। जेल में तुमने एक की मदद की थी ना, लेकिन यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में भी सोच के देखो कि तुम क्या कर सकते हो। पांच वक्त की नमाज पढ़ने वाले और रोजा रखने वाले एक सच्चे मुसलमान हो ना तुम? तुमने अपनों के लिए क्या किया? अगर अल्लाह तुमसे पूछे तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे कि तुमने स्मगलिंग किया? कभी तुमने सोचा है इसके बारे में? बोलो अनवर, अगर तुम एक सच्चे मुसलमान हो तो माथे पर नमाज के निशान को पुलिस की गोली भी कुछ नहीं कर सकती। अपने भाइयों के लिए जान देने वाला ही सच्चा मुसलमान कहलाता है। अगर सच्चे दिल से तुम अपना फर्ज निभाओगे तो पुलिस की गोली भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं जानता हूं साहब सेठ, आपने जो भी कहा वही मेरे मन में भी है। मेरे साथ रहना है तो ये तुम अपने पास रखो, नहीं तो तुम अपने रास्ते खुशी खुशी जा सकते हो। साबू सेठ के साथ मिल गया। शेर शेर से मिलता है, नदी नदी में जाकर मिलती है। ये साबू सेठ हमेशा नए नए प्लान बनाता है, इस पर पूरी निगरानी रखो।
दे शुड फील द इच। इन लोगों को डर महसूस होना चाहिए। लेट्स गो। सर्च कर रही है सर्च। टोपी और दाढ़ी वालों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है पुलिस वाले। हर मुसलमान के घरों में और बोट्स में जाकर छापा मार रहे हैं ये लोग। पागल हो गए हैं ये। अगर कोई विरोध करता है तो उसके औरतों और बच्चों को मार रहे हैं ये लोग। ये सब देखकर कैसे चुप रह सकते हैं हम? ठीक है, तुम ही बताओ कि अब क्या करें। रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड, कोई एक जगह तो बम फटना ही चाहिए, तभी डर का माहौल पैदा होगा, तभी इन्हें पता चलेगा कि हमसे टकराने का क्या अंजाम होता है। तब तो पुलिस हेडक्वार्टर में बम लगाना होगा, वही सबसे अच्छा होगा। क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो? वो काम इतना आसान नहीं है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में बम रख सकते हैं तो हेडक्वार्टर में क्यों नहीं? उसमें क्या परेशानी है? फटेगा नहीं क्या? ना मरना सब यही है, डरना क्या है? सर केबल रिपेयर। जिंदगी है। सर केबल वाला है, भेज दो। जाओ जाओ। जीना मरना सब यही है, डरना क्या है? तूफान से भी आगे बढ़ के मंजिल तो अपनी ही है, बना ले ओ मेरे ओ यारा दिलदारा। सर अब तो टीवी आने लगा ना? हाँ आ रहा है, आ रहा है। Anyway, it is not tool bomb. इस ब्लास्ट में RDS का इस्तेमाल नहीं किया गया है सर। RDS का इस्तेमाल तबाही के लिए किया जाता है, पर यह सिर्फ दहशत फैलाने के इरादे से किया गया है। उन्हें लगा इससे पुलिस महकमे में खलबली मच जाएगी। गुड। कमिश्नर साहब ने फोन करके आगाह कर दिया था, इसलिए यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ सर। Wait. Just rewind the tape and show me. Anything wrong, Mr. Michael? Nothing. The lady there. She reminds me a story of back. Thanks. Well, आपके लिए मैंने न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, धार्मिक किताबों का इंतजाम किया था। आपने पढ़ी? आशा आई हैव अ बैड न्यूज़ फॉर यू। आपके सेशन चीफ मिस्टर वेंकटेश इज नो मोर। इतने दिनों तक पुलिस से डरकर छुपे हुए थे। हमारे लोग जब उन्हें अरेस्ट करने के लिए गए तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। इट्स सैड बट वी गॉट सम रियल स्टाफ। आशा, पुलिस हेडक्वार्टर्स पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में पढ़ा। कैन आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन? आर यू, अब मैं आपसे कैसे कहूं, ऊपर वाले को मानती है ना आप? इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझती। व्हाट अबाउट अनवर? ये भगवान पे भरोसा करता है? इज ही अ ट्रू बिलीवर?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बशीर भाई, ये अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहु। राणा, यही है हमारा नया हीरो अनवर भाई। बैठिए शाबू सेठ। इन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। पुलिस हेडक्वार्टर्स में जो ब्लास्ट किया है वो एक सच्चा मुसलमान ही कर सकता है जो अल्लाह ताला पर भरोसा रखता है, और वो तुमने कर दिखाया। जिंदगी और मौत की जो परवाह नहीं करता, वही जज्बा तुम में है, तुम हमारे बहुत काम आ सकते हो, बड़े अजीज हो। पुलिस बहुत अलर्ट हो गई है, हमें बहुत ही होशियारी से अपने काम करने होंगे। एक एक ब्लास्ट पावरफुल होने चाहिए ताकि सरकार और जनता पूरी तरह से कांप उठनी चाहिए। इससे जानते हो क्या होगा, सरकार पर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा और पुलिस हमेशा की तरह निर्दोष मुसलमानों को अंदर डाल देगी और हमारा फायदा होगा। एक एक निर्दोष की जिंदगी एक एक ब्लास्ट का रूप लेती जाएगी, यही हमारा मकसद और इसी के लिए हम सब काम करेंगे। सेल में फिट किया है, इसे अच्छी तरह टाइट कर दो। अमोनियम नाइट्रेट के पीछे ये मैग्नेट फिक्स कर दो। इसे फिक्स करने के बाद इंसुलेशन टेप से पूरी वायरिंग टाइट कर दो। टेप लगाते समय टाइमर कवर नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने कर दिया है, लेकिन टारगेट किसी और कैसे करना है ये तुम्हें कोई नहीं समझा सकता, वो तुम्हें खुद ही करना होगा। हम मानते हैं तुम लोग इस लायक हो, इसलिए वहां जाकर इसे लगाना है, फिर टाइमर ऑन करना है, टारगेट के आसपास किसी लोहे पर इसका मैग्नेट चिपका देना है। इसमें अगर जरा सी भी चूक हुई तो तुम्हारा क्या हश्र होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, समझ गए ना? और कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें, इतनी बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया? ये इस काम के लायक नहीं है साबू सेठ, ये घबराहट में बम यहीं कहीं गिरा देगा और हम सब के सब लोग मारे जाएंगे। तुम उसे ठीक से समझा दो, वो कर लेगा काम। कुछ ऐसा करके दिखाओ कि उसकी समझ में आ जाए, समझे? बोलिए सर। मुझे नहीं मालूम वो कौन है। ओके सर। कम से कम इस बार तो ठीक से कर, जा। सुनो, इसके बारे में तुमने कहीं जिक्र किया है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा शाबू सेठ, सिर्फ चचेरे भाई को बताया, उसी से कहा था कि मैं ये सब करने जा रहा हूँ शाबू सेठ। वो किसी से नहीं कहेगा शाबू सेठ, मेरा यकीन करो, वो किसी से नहीं कहेगा। अगर उसने किसी से कुछ नहीं कहा तो पुलिस उसके घर क्यों गई? सब उल्टा काम करते हो। जब इस काम के लिए तुम्हें रखा था तब बहुत समझाया था तुम लोगों को, बहुत सोच समझ कर काम करना चाहिए। अब तुम्हें बचाना मेरे बस की बात नहीं है। Oh!
जानवर। साबू सेठ, वो हमें से ही एक था, उसने गलती से ऐसा कर दिया था। उसे पुलिस ढूंढ रही थी, अगर वो पकड़ा जाता तो पुलिस का अगला टारगेट तुम या हम होते। उसे रोकने का और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसे मारना पड़ा। मैंने तो तुम्हें पहले ही ये बात बता दी थी कि उससे ये काम नहीं होगा। अब आगे जो कुछ भी करना है वो सिर्फ मुझे ही करना है। नहीं अनवर, पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। उनको भले ही फोन पर इन्फॉर्मेशन मिल गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने मकसद में कामयाब होकर रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। अगले दो दिन बहुत क्रिटिकल हैं, हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। कोर्ट में ब्लास्ट होने वाला है ऐसी खबर मिली है, एंड इट इज फ्रॉम अ वेरी रिलायबल सोर्सेस। इसलिए हमें चप्पे चप्पे पे कड़ी निगरानी रखनी होगी। आई होप यू वोंट मेक एनी मिस्टेक। बॉम्ब ब्लास्ट में 10 आदमियों को चोट लगी और 4 आदमी मारे गए। अगर किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो महाराष्ट्र में जितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं ये भी उन्हीं इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप का काम होगा, ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट को शक है।
मरे हुए लोगों के बारे में अभी तक पुलिस ने मीडिया को कुछ नहीं बताया। That is because it is a policy of police department to keep the operation a secret. अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोपहर की न्यूज में। कमाल कर दिया अनवर, तुमने फिर से मेरा दिल जीत लिया। क्या हुआ, खामोश क्यों हो? हमने इतना बड़ा रिस्क लिया और सिर्फ चार लोग मारे गए। आ मेरे साथ। कितने लोग मर गए उसका गम नहीं है, लेकिन मरने वालों के बारे में सुनकर जो जिंदा हैं वो बहुत डर गए हैं। इसी दहशत के जरिए हमें अपना मकसद पूरा करना है। हम आगे जो कुछ भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। इसके लिए तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। कोयम्बटूर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो अब तक पूरे देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। कितनी देर हो रही है, जल्दी आइए ना। ओफो, आंटी मैं चलती हूं अंकल। आओ आयशा, हसीना जरा डिक्की खोलो ना। भाईजान जरा डिक्की खोलिए ना। ये घर के लिए है क्या? तब तो बहुत छोटी फैमिली है तुम्हारी। बाय बाय। कहाँ चलना है? अरे बताओ तो सही, आखिर चलना कहाँ है? हेलो बोलो ना, कहाँ जाना है? अरे मेरे पास और भी काम है। फर्स्ट राइट देन लेफ्ट, फिर राइट में दूसरा घर। यहाँ? तुम यहाँ रहती हो क्या? हाँ मैं यहीं रहती हूँ। आइए अंदर आइए। यहाँ मैं हेल्प कर दूँ क्या? थैंक यू। हसीना का भाई है, मुझे ड्रॉप करने आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। अरे दीदी। दीदी आ गई। दीदी आ गई। मुझे भी दीदी दो ना। मुझे दीजिए ना। सबको दूंगी। दीदी मुझे भी। दीदी मुझे भी दो ना। मेरा घर, यही मेरा सब कुछ है, मैं यही पली बड़ी हूँ। हसीना को सब मालूम है, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। आजकल मैं कोयम्बतूर में एक केमिकल फैक्ट्री में काम करती हूँ और वहीं हॉस्टल में रहती हूँ। हसीना ने कई बार कहा कि मैं आपके घर में रहूँ, पर जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे यहीं रहना अच्छा लगता है। ओके फिर मिलते हैं, मुझे ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। बाय बाय। मेरी इससे पहली मुलाकात है, इससे पहले कभी इसको देखा तक नहीं, लेकिन फिर भी मेरा दिल इसके लिए धड़क रहा है। आई थिंक आई एम इन लव। आपका डिसीजन सही है भाईजान, आयशा बहुत ही अच्छी लड़की है। वेल एजुकेटेड, स्टबर्न, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। हमारे बैच में सिर्फ उसी को कैंपस सिलेक्शन मिला था। आजकल कोयम्बतूर में वो किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रही है। कॉलेज के दिनों में उसके पीछे बहुत लड़के दीवाने थे, लेकिन उसने किसी को घास नहीं डाली। तुम बेवजह उसको आई लव यू बोल के अपना नाम मत खराब करो। हाँ वो थोड़ी इसके पीछे पड़ी है, इसे आयशा पसंद है।
ये लीजिए, इसीलिए उसने अब्बा और मुझसे अपने दिल की बात कही। उसमें क्या कमी है? अरे थोड़ा शरारती तो है, बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्यों, सही कहा ना? अब्बा आप भी एक अहम फैसला करते समय आप मजाक कर रहे हैं। मैंने जो कहना था कह दिया भाईजान। और एक बात, क्योंकि वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी है तो उसे कोई हमदर्दी दिखाए तो उसे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। हसीना, भूखों और गरीबों को खाना खिलाना और बेसहारा लोगों का सहारा बनना बहुत नेक काम होता है बेटा। वैसे उसके दिल में क्या है उसी से पूछ कर देखते हैं। पढ़ाई पसंद है, नौकरी पसंद है, पर किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, और यही मेरी जिंदगी का मकसद है। इसीलिए मेरी पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती, सही हो या गलत। पर आज तक मेरे सारे फैसले मैंने ही किए हैं। आज तक किसी को मैंने अब्बा और अम्मी कहकर नहीं पुकारा, सिवाय हसीना के अब्बा और अम्मी के। आप लोग मुझे पसंद हैं। उन्होंने बेटे का निकाह करने का फैसला किया था, वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। निकाह होने में अभी एक हफ्ता बाकी था और मैं आयशा को छोड़ने के लिए कोयंबटूर गया था। ओके बाय बाय। आयशा को उसके ऑफिस में ड्रॉप करने के बाद हसीना की शादी की ड्रेस खरीदने के लिए हम लोग कोयंबटूर के एक शोरूम में गए। ये कैसी है? हाँ सुपर। वो पिंक वाली, ये देखो। हाँ वो दिखाओ। अच्छी है। ये पर्पल ज्यादा अच्छी है ना भाईजान? हाँ ये भी बहुत अच्छी है। मैं बाहर से होकर आता। ठीक है बेटा जाके आओ। ये दिखाइए। एक सिगरेट देना। ये लो। मेरी हंसती खेलती जिंदगी इस हादसे से एकदम बदल गई। जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, अब्बा अम्मी और मेरी प्यारी बहन, सबने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। मैं बेजान बुद्ध की तरह खड़ा रहा। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट में सब कुछ खत्म हो गया और मैं अनाथ हो गया। सब कुछ पहले भी बता चुका हूं, डाउन टू द लास्ट डिटेल। कब, कहां, कैसे, क्यों, फिर भी ब्लास्ट में चार आदमी क्यों मारे गए? आपने मुझे भी ऐसे हालात में फंसा दिया। चार लोगों की मौत आपके लिए मामूली बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नहीं। जिस तरह एक सच्चा मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही मैं भी 5 वक्त का नमाजी हूं। फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? एक मिनट, जस्ट अ मिनट। जो वादा तुमने मुझसे किया था उसे तुमने पूरा नहीं किया। मैंने आपको वक्त पर खबरें दी थी, इसके बावजूद
आप लोगों ने सही समय पर एक्शन क्यों नहीं लिया? वो चार लोग कैसे मारे गए आपको बताना पड़ेगा। ये बोलने की आपकी जिम्मेदारी है और जानना मेरा अधिकार है। मैंने जो खबर तुमसे मांगी थी तुमने मुझे दी। मैंने कोऑर्डिनेशन भी ठीक किया मगर वो ब्लास्ट को मैं किसी तरह रोक नहीं पाया। और तुम जो कह रहे हो कि चार लोग मरे हैं, इट्स नॉट ट्रू, इट्स अ कुक्ड अप स्टोरी। इस फोटोग्राफ्स को आड़ में लेकर किसी ने कहानी बनाई है या तुम भी समझ सकते हो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वो लोग तो कभी पैदा ही नहीं हुए अनवर, तो फिर मरेंगे कैसे? तुम्हें मेरा भरोसा करना होगा। मैं भरोसा करूंगा, लेकिन कल अगर आप कहेंगे आयशा जिंदा है और वो मुझे नहीं मिली तो मेरा भरोसा टूट जाएगा। इसलिए मुझे आयशा से मिलना है। आयशा मेरी कस्टडी में सेफ है। मुझे आप पर भरोसा नहीं है। मुझे एक बार कम से कम उससे मिलने दीजिए। आपने आयशा को एक साल से कस्टडी में रखा हुआ है और आज तक आपने आयशा को कोर्ट में हाजिर भी नहीं किया। वो जिंदा है या नहीं मुझे नहीं पता। मैं हर हाल में उससे मिलना चाहता। नामुमकिन है अनवर, जरा सोचो। आयशा एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट है। अगर उसे कोर्ट में हाजिर करने पर उससे कुछ हो गया तो फिर मैं या तुम या कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। मैं एक ATS ऑफिसर हूं, फिर भी मैंने कोई चार्जशीट नहीं लगाई और किसी भी कोर्ट में हाजिर नहीं किया, जो कि मेरे लिए भी रिस्क है। ये सब कुछ मैं उसकी सेफ्टी के लिए कर रहा हूं, जो कि तुम भी जानते हो। इसलिए इस मिशन के खत्म होने तक ना तो तुम उससे मिलोगे ना ही फोन करोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं किन हालात में यह सब कुछ कर रहा हूं। क्या तुम भूल सकते हो कि जिंदगी ने तुम्हारे साथ क्या नाइंसाफी की है? हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन तक कितने दिन तुमने सफर किया? टेल मी अनवर, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट डे? सर, मैं 3 घंटे से पुलिस स्टेशन में खड़ा हूं। कोयम्बटूर के सभी पुलिस स्टेशन में पता कर लिया है और जानता हूं आयशा को यही अरेस्ट किया गया था। सर, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आपने उसे बेवजह क्यों अरेस्ट किया, बताइए। ए, चिल्ला क्यों रहा है? क्या नाम है तेरा? सर, मेरा नाम अनवर अहमद है। मेरी पूरी फैमिली ब्लास्ट में। अनवर अहमद, नाम से ही आतंकवादी लगता है तू। तेरी इतनी हिम्मत की तू थाने में आके हल्ला मचा रहा है? सर, इज्जत से बात कीजिए। मुझे इज्जत से खा रहा है? तेरी इतनी हिम्मत कि एक पुलिस वाले के गरबान पे हाथ डालता है? अभी बताता हूँ इसका अंजाम क्या होगा। ऐसा ही। उसे मेरे पास भेजो। सर, मैं अपने अम्मी अम्मा और बहन की बॉडी पाने के लिए शाम तक मोर्चरी में इंतजार करता रहा। सर, मेरे फोन करने पर ही आयशा हॉस्टल से हॉस्पिटल के लिए चली थी। सर, आप उसका फोन चेक कर लीजिए, उसके फोन में लास्ट कॉल मेरी ही होगी। अनवर, तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस आ रहा है, लेकिन तुम जो फेस कर रहे हो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मुझे तो चाहिए सिर्फ गवाह और एविडेंस। जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए हम यहाँ हैं। सर, मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड थी आयशा, हम दोनों का निकाह भी फिक्स हो गया था। मेरी फैमिली के साथ ही वो कोयम्बटूर आई थी, तो आप ही बताइए सर, उस ब्लास्ट के साथ उसका संबंध कैसे हो सकता है? हैव यू लॉस्ट इट? आयशा जिस फैक्ट्री में काम करती थी, बॉम्ब ब्लास्ट के केमिकल्स वहीं से आए थे। उसका बॉस आजकल कहां है कुछ पता नहीं। यू नो, कोयम्बटूर ब्लास्ट में जो इस्तेमाल हुआ है वो पूरा केमिकल्स आयशा के सिग्नेचर से बाहर आया है। आई हैव एनफ प्रूफ, और क्या चाहिए तुम्हें? सर, न जाने ऐसे कितने गेट पास पर वो रोज फाइन करती है, यही तो उसका काम है। इसके लिए उस पर कैसे शक कर सकते हैं? हाउ कैन यू ब्लडी मेक हर सस्पेक्ट? उसे बेगुनाह साबित करने के लिए डू यू हैव प्रूफ? उसे मिलना है कहने से काम नहीं चलेगा। सच साबित होने तक तुम्हें इंतजार करना होगा, वरना तुम जाओ, जाकर पता करो कि इस ब्लास्ट के पीछे कौन कौन लोग हैं। तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है ना, गो एंड प्रूव इट। उसके बाद मैं आयशा को छोड़ दूंगा। बेवजह रोने से कुछ नहीं होगा। अब मैं नहीं रोऊंगा, कभी नहीं रोऊंगा। रोने से कोई फायदा नहीं होगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा। हाँ, मैं प्रूफ लेकर आऊंगा, लेकिन कैसे? मेरे पास कोई पावर, कोई अधिकार नहीं है, एक मामूली आदमी हूं मैं। सर, किन हालातों से गुजर रहा हूं मैं ही जानता हूं। मेरी अम्मी, अब्बू, बहन, अपना प्यार, सब कुछ खो चुका हूं। अब मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या है? अब मुझे कोई डर नहीं है, छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसके पीछे जिसका भी हाथ होगा, उसे इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसी के लिए अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा है। जब मैं उनसे ये कह रहा था तो मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, उनका फैसला क्या होगा, ये भी नहीं जानता था। क्या, क्यों, कैसे, ये तो नहीं जानता, लेकिन लाखों लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मैं अपने मकसद पर निकल पड़ा। तब DIG माइकल ने मेरी हिफाजत के लिए मुझे एक हथियार भी दिया। मैं नहीं जानता था कि उस हथियार का इस्तेमाल मैं कब और कैसे करूँगा,
मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि निर्दोष लोगों की जान कैसे बचाऊं। यस, मैंने ही उसे तैयार किया था। शबु सेठ को खत्म करने के लिए एक ह्यूमन बॉम्ब, अनवर, इंटेलिजेंट, मोटिवेटेड, एक जख्मी शेर। हकीकत में कहूं तो ही वाज अ परफेक्ट ह्यूमन बॉम्ब। अम्मी, अप्पा और बहन को खोने के बाद सिर्फ आयशा ही बची थी, और उसे छुड़वाने के लिए मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा था। मुझे स्मगलर बनाकर पुलिस हेडक्वार्टर में बम ब्लास्ट करवाने और बाकी कारनामे करवाने के पीछे माइकल स्टेलिन का ही हाथ था। उन्हीं की बदौलत मैं जेल जाकर साबू सेठ का खास आदमी बना। मैं जिन लोगों को ढूंढ रहा था, उन लोगों के साबू सेठ के साथ गहरे रिश्ते थे। तब मुझे लगने लगा कि मैं अपने मकसद के करीब पहुंच रहा हूं। सिर्फ एक बार मुझे आयशा से मिलवा दीजिए सर। मेहरबानी करके नामुमकिन मत बोलना। आयशा, मैं किसी को मारना या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। ये तुम भी जानती हो। अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया आयशा, तो हम जरूर मिलेंगे। क्या कहूं, समझ में नहीं आता। अगर मेरा मकसद पाक है तो अल्लाह मेरा साथ देगा, इंशाल्लाह। सर, अगले 3 दिन के अंदर अंदर उन लोगों तक पहुंच जाऊंगा। कोयम्बटूर ब्लास्ट में जिन लोगों का हाथ था, वो लोग यहां आ रहे हैं। एंड देन मुंबई अगला टारगेट है। किसी के हाथ में पिस्तौल नहीं होगी, कोई हथियार नहीं होगा। हथियार और बॉम्ब ब्लास्ट का सामान वगैरह एक दूसरी बोट में मुंबई ले जाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। ओके, सब लोग कब कैसे कहां ठहरेंगे ये तो मुझे बता देना, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। उनके बारे में सारी डिटेल्स इसके अंदर है। वालेकुम सलाम। ये जवाब में कहा जाता है सर, पहले कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओह माय गॉड, शबु सेठ के आदमी आ रहे हैं। कम ऑन, हिट मी। मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ, ये समझकर मुझ पर अटैक करो। नहीं सर, नहीं। हिट मी। सर, मार करो मुझ पे। अटैक करो। मारो मुझे। सलीम, सलीम जाओ। सलीम। सलीम। चलो जल्दी, चलो जल्दी जल्दी। वहां उनके साथ यही था क्या, तुम दावे के साथ कह सकते हो? वहां कोई और नहीं था साबू सेठ, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। उसका अकेला आना हमारे लिए फायदेमंद साबित हो गया सेठ। 4 गोलियां मैंने उसके सीने में धड़ाधड़ उतार दी, वहीं पे ढेर हो गया। ठीक है, तुम जाओ, संभल कर रहना। कल वो यहां पहुंच जाएंगे
इसलिए तुम अकेले बाहर कहीं मत जाना, समझ गए? सलीम। हाँ। अनवर पर हमेशा नजर रखो। सब लोग यहाँ ठीक ठाक पहुंच गए। 8 लोगों को रिसीव किया है, लेकिन 2 लोगों को छुपा कर रख दिया है। वहां उन्हें हेल्प करने के लिए हमारे आदमी साथ रहेंगे। कल शाम को 5 बजे सब लोग यहाँ से निकलेंगे। गाड़ी निकलने के बाद हमारे बीच कोई संपर्क नहीं रहेगा, लेकिन दोनों गाड़ियों में GPS है, इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी दूर जाने के बाद एक चर्च आएगा, उसे क्रॉस करके जब हम आगे जाएंगे तब वो रास्ता पुराने डॉकयार्ड तक जाएगा। उस यार्ड में RDX और ब्लास्ट करने के सारे सामान और हथियार के साथ अनवर वहां बोट लेकर तैयार रहेगा। अनवर,
वो सब लोग कहाँ हैं? वो सब चले गए, मैं नहीं गया। क्यों नहीं गए? इन सबको भी वहीं पहुंचा दिया। तुम्हारे लिए भी वहां थोड़ी जगह बाकी है श्याबू सेठ, तुम्हें भी वहां जाना पड़ेगा। तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं, मुझ पर भरोसा करने वाले सभी को धोखा दिया। सच्चा मुसलमान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हारा भरोसा गलत साबित हुआ श्याबू सेठ, क्योंकि तुम्हारे सामने एक सच्चा मुसलमान यानी मैं खड़ा हूं। इस्लाम के नाम पर हमारे प्यारे देश को बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण कितने निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान। अपने अम्मी अप्पा और बहन की मौत को मैं अभी तक भुला नहीं पाया। उन लोगों ने क्या गुनाह किया था? कोयंबटूर ब्लास्ट का जश्न तुम लोगों ने बहुत जोरदार मनाया होगा, लेकिन इस हादसे में इस्लाम का सही मतलब बताने वाले मेरे अब्बा। गरीबों और भूखों को खाना खिलाना, बेसहारा लोगों का सहारा बनना ही नेक काम है। मेरी अम्मी जान जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता था, और मेरी बहन जिसकी अभी शादी होने वाली थी, उन सच्चे मुसलमानों को तुमने ऐसी मौत मारा कि बेचारों को कफन तक नसीब नहीं हुआ। उसी दिन तुम्हें और तुम्हारे ग्रहों को खत्म करने की कसम खाई थी। उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा है। मिट्टी से पैदा हुआ और इसी मिट्टी में दफन होकर जन्नत जाने वाला सच्चा मुसलमान हूं मैं। तुम्हारे इस गुनाह की माफी नहीं है। अल्लाह पे भरोसा करने वाला कोई मुसलमान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम हार गए शाबू सेठ, मौत तुम्हारे लिए आसान सजा होगी। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तो खुद अपने आप को मारेगा और तुम्हारी मैयत को
कांधा देने के लिए कोई सच्चा मुसलमान। अनेक राज्यों में दहशत फैलाने वाले गिरोह का खात्मा किया एक एटीएस ऑफिसर माइकल स्टालिन ने। एटीएस टीम ने वीरता से यह काम करके देश का कल्याण किया है। कोयम्बटूर ब्लास्ट के बाद मुंबई में ब्लास्ट करने के लिए जिस गैंग ने प्लान बनाया था, उनका सामना कर उनको खत्म करके पूरी एटीएस टीम सब तरफ से प्रसन्नता की हकदार बन गई। परंतु आतंकवादियों से लड़ते हुए एटीएस चीफ माइकल स्टालिन मनीमारन शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया गया है। कोयम्बटूर ब्लास्ट के पीछे जो लोग थे उन सब का पता चल गया है, इसलिए आयशा को रिलीज किया गया। इन सब देशद्रोहियों से लड़ने वाले जांबाज हिंदुस्तानी का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। उस अनवर के बारे में किसी ने कुछ पूछा नहीं और वो अपनी जिंदगी जीने लगा। आज तुम क्लास लेने नहीं जाओगे? आजकल छुट्टियां चल रही हैं। दिल भी तेरा है, मैं भी तेरी हूँ, दिल बराजा मेरे, तू मेरा साजन प्यार अपना।